सरकार सिर्फ आश्वासन देती है पर उसका कोई हल निकलता नहीं है। फिलहाल में अपने पास में 80% अपना ऑक्सीजन अमरावती को जा रहा है, बाकी शहरों में अपन ही भेज रहे, नागपुर से भेज रहे, इसलिए यहाँ किल्लत गिर रही है। आप अपने तरफ से क्या प्रयास करेंगे? क्या करेंगे वो गवर्नमेंट करेंगे ना, क्या करना है क्या नहीं, इसके ऊपर कैसा रोक लगाना है, कैसा थम रुकाना है इसको। सेकंड वेव आया था गवर्नमेंट को पता था, तो प्रयास उन्होंने करना चाहिए था, ऑक्सीजन सेटअप उन्होंने लगाना चाहिए था। आज का सवाल, ऑक्सीजन की कमी को रोकने के लिए या थमाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या प्रयास करेंगे? जी हमें ये बताइए, मतलब शहर में जो अपने ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्या उसके बारे में आपको पता है? हाँ, ऑक्सीजन की तो कमी हो रही है शहरों में, तो मतलब वो जो कमी हो रही है उस मतलब ये नौबत ना आए, तो उसके लिए हम हमारे तरफ से क्या प्रयास करेंगे, आप अपने तरफ से क्या प्रयास करेंगे? अब देखो, गवर्नमेंट के पास में जो सामग्री होती है सीमित होती है, गवर्नमेंट ने भी नहीं सोचा था कि कोरोना का उधर कितना बड़ा हो सकता है, और जो प्रोडक्शन करते ऑक्सीजन वो भी उतना कर नहीं पा रहे, और पेशेंट कोरोना के बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये तो उसमें गवर्नमेंट अपने प्रयास से तो कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को भी इतना संभव नहीं ना। जैसा अपने घर में कोई चीज़ अगर 100 लोग खाना खाने के लिए आए और 50 का ही खाना है, तो 50 लोगों के लिए तो अपने को अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा। ये लोगों ने भी ध्यान देना चाहिए उस चीज़ के लिए कि कुछ जो योगा के आसन है, जैसा सुबह उठ के उससे ऑक्सीजन लेवल 99 के नीचे नहीं आती है, ये चीज़ें फॉलो करना चाहिए, मास्क वापरना चाहिए। ये जो शहर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसके बारे में आपको पता है? हाँ हाँ पता है। तो इस कमी को रोकने के लिए आप अपने तरफ से क्या प्रयास करेंगे? हम क्या कर सकते हैं, अपने पास क्या है उसका इलाज है क्या? अभी जो ऑक्सीजन का प्लांट औरंगाबाद में जैसा किया है वैसा अपने यहाँ भी करना चाहिए। औरंगाबाद में कर सकते हो तुम ऑक्सीजन करने के लिए, तो अपने यहाँ क्यों नहीं कर सकते? ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है शहर में, उसके बारे में आपको पता है? जी। तो हमें ये बताइए कि मतलब ये ऑक्सीजन की कमी जो हो रही है, ऐसी नौबत ना आए, इसलिए आप अपने तरफ से क्या प्रयास करेंगे? हमें तो ऐसा लगता है कि शहर के नागरिकों ने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ये सबसे पहली बात। और दूसरा जो है, सबसे पहले कि ये तो हो गया ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, लेकिन कम क्यों हो रहा है? कार्बन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसके लिए हर नागरिक ने सोचना चाहिए। जैसा अपना AC का उपयोग, गाड़ी का चलाना, ये सब कुछ इस बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पर आजकल की मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये जो चीज़ें आपने बोली वो तो बहुत आम सी हो गई है, फिर मतलब कैसे एक हाथ चीज़ का एडिक्शन हो जाए तो लोग नहीं छोड़ते, फिर इन चीज़ों को कैसे छोड़ेंगे? नहीं, जनरली ऐसा है कि आप व्हीकल ट्रांसपोर्ट जो है उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, कारपूल कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 4 लोग जा रहे हो तो 4 कार जानी चाहिए, आप कारपूल कर सकते हो, उससे भी पोल्यूशन कम हो सकता है। जनरली AC की ज़रूरत ना हो तो AC ना ही चलाए तो बेटर है। AC से भी जो है उसमें पोल्यूशन बढ़ रहा है, हीट बढ़ रही है उसकी वजह से भी, तो उससे भी एनवायरनमेंट को नुकसान है, ऐसा मुझे लगता है। जो कमी हो रही है अभी तो हो रही है, मतलब उसके लिए आप अपने तरफ से क्या प्रयास करें? मेरी तरफ से भी जिनको अगर मुझे कहीं पता चलता है कि नहीं कि ऑक्सीजन के बारे में या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सेवा मिल रही है पेशेंट के लिए, तो मैं उनको ज़रूर बताना चाहूँगी, मतलब जो जिनको ज़रूरत है उनको, कि कहाँ पे किस तरह से आपको प्रोवाइड हो सकता है सब चीज़ें। सबसे पहले हमें ये बताइए कि शहर में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्या आपको उसके बारे में पता है? हाँ बिल्कुल पता है, क्योंकि हम भी फार्मा फील्ड से ही है, तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, सभी को पता है रेमडेसिविर नहीं है। हमको भी दिन में कम से कम 20 कॉल आते हैं रेमडेसिविर और टोक्लीजुमाब के लिए, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है, कभी आता है। काफ़ी लोगों ने 18-18 हज़ार पर वायल बेचा है 4 हज़ार वाली इंजेक्शन, तो ये सब चल रहा है ऑक्सीजन सप्लाई के। अभी मेरे दोस्त बता रहे थे, उनके फ्रेंड की मम्मी की डेथ हो गई कल, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई इसलिए। तो मतलब ये जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसके कारण मौतें भी बढ़ रही है, तो क्या लगता है हम मतलब आप अपनी तरफ से क्या प्रयास करेंगे कि ऐसी मतलब नौबत ही ना आए? प्रयास करने की कैसा है कि लास्ट टाइम जब फर्स्ट वेव गया था तो सेकंड वेव आया था गवर्नमेंट को पता था, तो प्रयास उन्होंने करना चाहिए था, ऑक्सीजन सेटअप उन्होंने लगाना चाहिए था। अगर एक हॉस्पिटल में अगर उसकी मशीन भी लगाते हैं जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करता है तो वो भी कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ प्रयास ही नहीं किया ना। हर बार सब कुछ पब्लिक पे डाल के नहीं होता है कि पब्लिक ही अपनी रक्षा करे, गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमें ये बताइए जो मतलब शहर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्या आपको उसके बारे में पता है? हाँ पता है ना, मतलब ये जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है इससे वजह से मतलब लाशें वाशें मतलब बिछ रही है, मतलब बहुत जो है जनों की मृत्यु हो रही है, तो इसको रोकने के लिए या फिर कम करने के लिए ऐसी नौबत ही ना आए, तो उसके लिए हम अब हमारे तरफ से क्या प्रयास करेंगे? हमारे तरफ से तो अभी तो एक तो क्वारंटाइन होना पड़ेगा मैक्सिमम लोगों को बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन,
और सेकंड चीज़ ऐसी है कि थोड़ा सा अपने को सपोर्ट पॉलिटिकली भी चाहिए बिकॉज देयर आर सो मेनी पार्टीज इन नागपुर ऑलरेडी सो बट ऐसा देखा जाए तो कोई भी पार्टी ने अभी तक खुद के तरफ से कुछ भी एक हॉस्पिटल नहीं तैयार किया है या कुछ बेड सिस्टम नहीं किया है दे आर ब्लेमिंग ईच अदर ओनली सो वो इन्होंने खुद होके करना चाहिए क्योंकि कॉमन पीपल तो कुछ कर नहीं पा रहा है बिकॉज उनको खुद का प्रिकॉशन लेना ही बहुत बड़ी बात है उनके लिए तो वो सब चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल बोलो शासन बोलो कलेक्टर बोलो यहाँ के देयर आर सो मेनी मंदिर भी है और बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं उसको सोसाइटी में बहुत सारे से हॉल्स भी रेडी है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है प्रॉपरली तो आई थिंक वी शुड टेक हेल्प फ्रॉम देम एंड दे शुड ऑल्सो हेल्प द पीपल नाउ शहर में होकर भी आपको शहर की इन गंभीर हालातों का पता नहीं है बताते से नहीं तो वेंटिलेटर के ऊपर कौन है क्या है किसको एक्सीडेंट लग रहा क्या लग रहा सब बाड़िया बाहर फेंके हैं नहीं इतनी न्यूज़ आ रही है सारी चीज़ें मतलब पेपर में छप रही है टीवी पे आ रही है आपको कैसे नहीं पता कहाँ आ रहे वो है सिर्फ बाड़िया का कोरोना का ही बता रहे कहाँ न्यूज़ पे आ रही है एक्सीडेंट है आओ तुम बेड खाली नहीं है ये खाली नहीं है बाड़िया को वो सारी चीज़ें आ रही है न्यूज़ पे आपको बताया जा रहा है बाड़िया निकल रही ना एक्सीडेंट नहीं इसलिए बाड़िया निकल रही एक्सीडेंट रहता तो काहे के लिए बाड़ी बाहर निकलती थी एक्सीडेंट है ही नहीं तो मतलब वही अगर ऑक्सीजन की कमी इसको रोकने के लिए आप अपने तरफ से क्या प्रयास करेंगे क्या करेंगे वो गवर्नमेंट करेंगे ना क्या करना है क्या नहीं इसके ऊपर कैसा रोक लगाना है कैसा थम रुकाना है इसको किसको एक्सीडेंट होना किसको नहीं होना किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट तय करेंगे ना ऑक्सीजन की कमी हो रही है शहर में तो उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे लोगों ने जागरूकता करना चाहिए मास्क बांधना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सैनिटाइजर वापरना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो घर के बाहर निकलो नहीं तो मत निकलो उसकी वजह से कमतरता कम हो जाएंगी और ऑक्सीजन की और गवर्नमेंट ने स्टॉक बढ़ाना चाहिए मास्क आयात करना चाहिए जो अभी फिलहाल में अपने पास ने 80% अपना ऑक्सीजन अमरावती को जा रहा है बाकी शहरों में अपन ही भेज रहे नागपुर से भेज रहे इसलिए यहाँ किल्लत गिर रही है इसलिए यहाँ ऑक्सीजन कम पड़ रहा है यहाँ के लोगों के लिए बुलाना चाहिए गवर्नमेंट ने आपके लिए स्पेशल एक बनाना चाहिए उसके लिए और यहाँ जमा रख के उसको बाद में सप्लाई करने को होना शहर में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्या उसके बारे में आपको पता है हाँ पता तो है तो मतलब ये जो कमी हो रही है मतलब वो ना हो ऐसी नौबत ना आए तो इसके लिए आप क्या करेंगे इसके लिए तो वैक्सीन बढ़ाने को होना और लॉकडाउन की जो समस्या है बड़ी गंभीर समस्या है उसके लिए सभी लोग परेशान है सभी लोग भूखे मरने की मनोत आगी है उसके लिए सरकार ने कुछ करना चाहिए और तो और ऑटो वाले तो सबसे ज़्यादा ही परेशान है आज बोहिनी के लिए भी परेशान है बोहिनी तलक नहीं हो रही है नहीं अभी लॉकडाउन है लोग घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो आपके काम भी कैसे चलेंगे तो इसके लिए हमारे लिए सरकार ने भी कुछ करना चाहिए ना सरकार सिर्फ आश्वासन देती है पर उसका कुछ हल निकलता नहीं है उसके लिए आपको ही करना चाहिए ऐसा तो नहीं है अपन जनता का भी कुछ भला करना चाहिए तो कोरोना वैसे हटेगा नहीं एक बार अच्छे से लॉकडाउन लगा दीजिए उसके बाद नहीं तो भी लोग मर रहे थे वैसे भी मर रहे उसके बाद लगाने के बाद क्या परिश्रम निकलता है क्या रिजल्ट निकलता है उसके बाद मालूम पड़ेगा अपने को जी ये थी हमारे शहरवासियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं ऐसे सवाल के साथ हम आपसे रूबरू होते रहेंगे तब तक देखते रहिए वी 24 तास मैं लक्ष्मी कोल्ले रिपोर्टर कैमरामैन यश शिर्के के साथ वी 24 तास नागपुर